ਤਾਈਓ ਤੇ ਆਏ ਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ?
अच्छा ऊन सुना नहीं ऊन अंदर फल्ला मारना मारो मारो अब गाल मारो क्यों अगर अनु अनु कछु आ गया तो जिम्मेवार है तू वर्दी पा के खड़ा तो जिम्मेवार मैं वर्दी वर्दी उतार ला तो के साडे ना गल कर ये नहीं आपको है ये क्यों नहीं आखी है साडा साथ दे साडा साथ दे गल तो सुनाओ नहीं भई है अगर मीडिया नहीं ते इथे थाना नहीं इन्हें खुद धमकी दें किने किने पैसे लेंगे एक करोना का टीका लाउंदा जे आवाज दो आवाज दो एना नी दा पंगा किने ना पा लिया लियाओ लियाओ डॉक्टर नु लियाओ डॉक्टर नु लिया लिया जे मेरे मुंडे नु पछो हो गया ते तेरी बर्दी दा ही हक बोलो ते तू करना ही जो करना ही दादा क्या आपको जब मैंने अंदर जाके बात कर ली तो जम्मू संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल कहे जाने वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से विवादों में है और आज विवाद उस समय खड़ा हो गया जब एक पेशेंट का इलाज करने से डॉक्टरों ने साफ तौर से मना किया और उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हंगामा जो है वो देखने को मिला। सर आप पूरा सर आप अपना नाम बताएं क्या पूरा वाक्य हुआ था भारत गिल क्या हुआ था बताएं सर इन्होंने सुबह पेशेंट हमारा मैं उनका पेशेंट ही था इन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को देखकर उन्होंने गलत टिप्पणी करी ये भी दिखा ये काला गोरा बस हाँ जी ये किसने कहा ये जो लेडीज डॉक्टर है बड़ी डॉक्टर है वो हाँ। सुबह आई थी चेक करने के लिए ये देखो ये जो ये लगा है ना उन्होंने ऐसे तार पकड़ के ये खींची हुई है मेरे ऊपर से हाँ जी तो जब वो ये करेगी तो सर हम क्या बर्दाश्त करेंगे हमने भी उनको पूछा कि भाई ऐसा क्या किया गया ऐसा क्यों बोल रही है तो बस फिर वो बाहर तड़फी बाहर की तरफ भागी हम पीछे आए उसके फिर उनके सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी वाइफ के साथ हाथापाई की है और धक्के मार के मैं बाहर नहीं जाना। तो अभी पुलिस आपको बातचीत करने पुलिस बोल रही है कि एक एप्लीकेशन लिख कर दो अब क्या पता वो उसमें क्या लिखेंगे कॉम्प्रोमाइज अभी तक उन्होंने वो लेडीज डॉक्टर हमारे आगे भी नहीं खड़ी की है कि हम उससे ना उस पर कोई केस करेंगे ना कुछ बस सॉरी करवाना चाहते हैं एक बार। अब आप कह रहे हैं कि आप अपना इलाज यहाँ पर नहीं करवाएंगे हम अमृतसर जाएंगे अमृतसर में करवाएंगे तो एक उम्मीद लेकर आप यहाँ पर आए थे कि आपका अच्छा इलाज किया पूरी उम्मीद लेकर आए थे सर लेकिन नहीं ये यहाँ पर तो जात पात रंग काला गोरा देख के इलाज करते हैं डॉक्टर्स तो जान बचाने की बात करते हैं और आपको जो धमकी आई है वो क्या कुछ है? हाँ मैम बहुत धमकी इन्होंने दी ना क्या धमकी इन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को बोला मैं पीछे खड़ा था बोलते कि भाई इनको कोरोना का टीका लगाएंगे और कोरोना के पेशेंट को हम पोलिथीन में बांध कर जो डालते हैं इनको पोलिथीन में नहीं देंगे कोरोना का ऐसा कौन सा टीका है जिससे मर जाता है मैंने वैक्सीन सुनी है लेकिन हाँ वैक्सीन वैक्सीन भी तो टीके में ही लगती होगी मैम क्या पता वो इनको पता होगा ये सिक्योरिटी गार्ड वालों ने मेरी वाइफ के साथ हाथापाई भी की है बदतमीजी हमारे साथ फुल की है इन्होंने जो लेडीज डॉक्टर थी वो गार्ड वालों को बोल रही है कि तुमको किस लिए रखा वो गुंडे हैं वो गुंडे ही रखे हैं सर उन्होंने तो सीएम साफ तौर से आज यहाँ पर हंगामा जो है वो देखा गया है इनको धमका रहा मेरी वाइफ की भाई तू कौन होती है तू कहने का किसी को अधिकार नहीं है जब मैं उनको रिस्पेक्ट दे रही हूँ आप कह रही हूँ तो उनका भी आगे से रिटर्न मेरे को आप करके ही आना चाहिए आम जनता का ये मतलब नहीं है कि किसी को भी तू करके कौन होता तू क्या होता है तू क्यों बुलाया गया माता भाई किसने किया आपके साथ डॉक्टर ने हाँ जी डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड ने और डॉक्टर ने बड़ी वाली डॉक्टर थी उसने मेरे साथ हाथापाई करी मेरे पास वीडियो भी है सुबह के हम आए हुए हैं और भैया यहाँ तक भी गए कुछ भी नहीं हुआ
आप आपकी मांग क्या थी इस डॉक्टर को? मांग ये थी, हाँ जी, बस सॉरी मांग, इतना उसको फील कराया जाए कि पेशेंट के साथ जो मैंने करा गलत करा है, इतनी मांग थी ना, इससे बढ़ के तो नहीं हमने कुछ मांगा था ना, उसके बावजूद यहाँ तक कोई नहीं आया। और सीएमओ कहाँ करवाएं? नहीं करवाएंगे यहाँ तो, गलती से भी नहीं कराएंगे, कहीं और करा लेंगे घर में। क्यों नहीं कराएंगे यहाँ? इसलिए नहीं कराएंगे, ये कोरोना का टीका लगा के मारेंगे। ये काला गोरा देख, ये धमकी किसने दी कि आपको कोरोना का टीका लगा जाएगा? डॉक्टर ने दी थी खुद, डॉक्टर ने सिक्योरिटी गार्ड वाले को ये भी बोला कि तुम्हें रखा किस लिए, उठा के बाहर फेंको इनको। और हमें सच्ची में फेंका गया, सुबह 8 बजे निकाला गया, इनकी ड्रिप वगैरह निकाल के इनको बाहर निकाला गया। आपको क्या लगता है आपकी जगह अगर कोई वीआईपी होता, वीआईपी होता तो हंगामा साफ तौर से आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखा, बुजुर्ग महिला भी है जो अपने बच्चे के लिए यहाँ पर आई है। क्या लगता है कि एक उम्मीद लेकर आप यहाँ पर आए थे कि अच्छा इलाज आपके बच्चे को यहाँ पर मिलेगा? उम्मीद तो यही लेके आए हैं कि बच्चे का अच्छा इलाज मिलेगा। डोगरी च बोलो, कोई गल नहीं, डोगरी में हुंदी नहीं है, पंजाबी आई, पंजाबी हिंदी यही है। इन्होंने उल्टा उन्होंने बच्चों नु धक्का मार के बाहर कढ़ दिता कि इत्थे तुहाडा कोई इलाज नहीं होएगा, कोरोना का टीका ला देंगे, धक्के मार के बाहर कढ़ देंगे। सिक्योरिटी गार्ड ने, डॉक्टर ने खुद सवेर दे मीडिया आ रही है जा रही है, मीडिया आ रही है जा रही, एक और डॉक्टर नु नहीं सामने लिया कि इन्हों बच्चों को जा दुनिया को मीडिया को माफी मा, उल्टा कहें मीडिया अंदर नहीं आएगी। मैं मीडिया अंदर लैके आई हाँ, मैं कह मीडिया अंदर जाएगी, मीडिया अंदर जाएगी, अगर मीडिया अंदर नहीं तो थाना भी अंदर नहीं, थाना भी अंदर नहीं रहेगा। कोई और डॉक्टर आई नहीं गई, तो उन अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा, नहीं अंदर कराएंगे नहीं, क्योंकि सानू धमकी लगी दी है, इतों कोरोना का टीका लावे तो बाहर फेंक देंगे। कुत्ते इलाज कुत्ते कराओगे? इलाज पंजाब करावे, थोड़ी प्राइवेट डॉक्टर है जम्मू च, जितों मर्जी करा लेंगे, क्योंकि इन्हें सानू लिख के थोड़ी देता भी यदा इलाज ही कित नहीं होएगा, ये जिम्मेवार आ, अगर इनू कुछ हो गया और डॉक्टर जिम्मेवार होएगी, और डॉक्टर जिम्मेवार होएगी, और सिक्योरिटी गार्ड जिम्मेवार होणगे, इनू कुछ हो गया तो इतने हंगामा वो मचेगा जरा याद करेंगे। सवेर का मचन दिया तो बिल्कुल, आज सुबह से ही हंगामा जो है वो यहाँ पर देखा गया। और एक बार फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो है पूरी तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और मीडिया को यहाँ पर बैन किया गया है, क्योंकि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सच्चाई जो है वो प्रशासन तक पहुँचाती है, जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचाती है, लेकिन वही सच जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन को पसंद नहीं कि इनका सच आखिरकार दुनिया के सामने की वजह, उसके बाद इलाज जो है वो सही समय पे नहीं किया गया, और धमकी दी गई कि आप यहाँ से निकल जाओ नहीं तो आपको कोरोना का टीका जो है वो लगाया जाएगा। अभी कोरोना का टीका कौन सा है ये प्रशासन ये तय करेगा, और क्या कार्रवाई बनती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के उन डॉक्टरों पर जिन्होंने ये बेअदबी भी जो है वो इन लोगों के साथ किया। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर यहाँ पर पहुँचे तो फिलहाल इस मसले को जो है वो हल करवा दिए गए, लेकिन जो पेशेंट के परिवार वाले हैं उनका साफ तौर से ये कहना है कि वो अपने बच्चे का इलाज जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं करवाएंगे, किसी प्राइवेट अस्पताल में चल जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वो अपने बच्चे का इलाज नहीं करवाएंगे। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। बने रहना पब्लिक के साथ, धन्यवाद।